नमस्कार, मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं, मंगल आठवें भाव में बैठा हो तो कैसा फल देता है। सबसे पहले हम आठवें भाव के बारे में जानेंगे। आठवें भाव से आयुष्य, अचानक धन लाभ, आकस्मिक लाभ, गुड ज्ञान, पैतृक संपत्ति और मृत्यु के बारे में जाना जाता है। अभी हम लोग जानेंगे मंगल के कारक तत्व के बारे में। मंगल मेहनत, साहस, पराक्रम, वीरता, शूरवीरता, युद्ध, योद्धा, अग्नि, खून, भूमि, जमीन, वाहन, जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, वाहन का कारक है। मंगल अष्टम भाव में शुभ स्थिति में बलवान होकर बैठा हो तो निश्चित तौर पे बहुत बहुत अच्छा फल देता है। लेकिन ये कैसे समझा जाए कि मंगल शुभ कब होता है, तो उसके पांच अलग अलग नियम है। पहला नियम, मंगल अष्टम भाव के अंदर विपरीत राज्यों की कंडीशन बनाता हो और लग्नाधिपति ग्रह बलवान होता हो तो ये मंगल अच्छा फल देने के लिए बाध्य हो जाता है। आइए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। वृषभ लग्न की कुंडली के अंदर मंगल 12वें स्थान का स्वामी होकर अष्टम भाव के अंदर विपरीत राजयोग बना रहा है और लग्नाधिपति ग्रह शुक्र बलवान हो रहा है तो यह मंगल निश्चित तौर पे अच्छा फल देने के लिए बाध्य हो जाता है। दूसरा एग्जाम्पल, मिथुन लग्न की कुंडली के अंदर मंगल 6वें स्थान का स्वामी होकर अष्टम भाव के अंदर उच्चका होकर बैठा है और विपरीत राजयोग बना रहा है और लग्नाधिपति बुध उच्चका होकर भद्रयोग नामक पंच महापुरुष राज्यों बनाता है तो यह मंगल भी अच्छा फल देने के लिए बाध्य हो जाता है। दूसरा नियम, मंगल अष्टम भाव के अंदर वृश्चिक राशि में बैठा हो या फिर मंगल मकर राशि के अंदर उच्चका होकर बैठा हो तो भी यह मंगल अच्छा फल देने के लिए बाध्य हो जाता है। तीसरा, मंगल अष्टम भाव में बैठा हो और नवमांश कुंडली के अंदर राशि वर्गोत्तमी या भाव वर्गोत्तमी होता हो तो भी यह मंगल अच्छा फल देने के लिए बाध्य हो जाता है। चौथा, मंगल अष्टम भाव के अंदर नीच भंग राजयोग बनाता हो तो भी अच्छा फल देने के लिए बाध्य हो जाता है। और पांचवा, भाव चलित कुंडली के अंदर मंगल 7वें भाव में या 9वें भाव में चला जाए और 7वें और 9वें भाव के अंदर मंगल की स्वगृही मित्र क्षेत्री उच्च की राशि आती हो तो भी यह मंगल अच्छा फल देने के लिए बाध्य हो जाता है। अभी हम लोग जानेंगे कि मंगल अष्टम भाव में शुभ स्थिति में बलवान होता हो तो कैसा फल मिलता है। तो सुनिए, जिसकी भी कुंडली में मंगल अष्टम भाव में शुभ स्थिति में बलवान होता है ऐसे व्यक्ति दीर्घ आयु प्राप्त करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि आठवां भाव गुड ज्ञान का होता है, तो जिसकी भी कुंडली के अंदर मंगल अष्टम भाव में शुभ स्थिति में बलवान हो और उसके ऊपर गुरु की 5वीं, 7वीं या फिर 9वीं दृष्टि पड़ती है तो ऐसे व्यक्तियों को गुड ज्ञान जैसे कि ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र, रत्न, तंत्र, मंत्र, यंत्र जैसे गुड ज्ञान प्राप्त करना अच्छा लगता है। जिनकी भी कुंडली के अंदर मंगल अष्टम भाव में शुभ स्थिति में बलवान होता है ऐसे व्यक्तियों को पैतृक संपत्ति प्राप्त होने के योग बनते हैं, खानदानी जमीन जायदाद मिलने के भी योग बनते हैं। मंगल अष्टम भाव के अंदर शुभ स्थिति में बलवान होकर बैठा हो और उसका संबंध चतुर्थेश के साथ होता हो तो ऐसे व्यक्ति को भी खानदानी जमीन जायदाद के द्वारा बहुत लाभ होता है। अगर कुंडली के अंदर मंगल अष्टम भाव में शुभ स्थिति में बलवान होकर बैठा हो और उसके ऊपर शनि की शुभ दृष्टि पड़ती है तो ऐसे व्यक्तियों को मैन्युफैक्चरिंग के काम से लाभ होता है, कंस्ट्रक्शन के काम से बहुत लाभ होते देखा गया है, लेकिन 36 साल के बाद। अगर मंगल अष्टम भाव के अंदर शुभ स्थिति में बलवान होकर बैठा हो तो ऐसे व्यक्तियों को सुरक्षा क्षेत्र में जाने से बहुत लाभ होता है, जैसे कि मिलिट्री, आर्मी, नेवी जैसे सुरक्षा क्षेत्र में जाने से उन्हें नामना प्राप्त होती है, क्योंकि इन क्षेत्रों के अंदर व्यक्ति को देश की सुरक्षा के लिए जान की बाजी तक लगानी पड़ती है, अपनी जान हथेली पे लेकर चलना पड़ता है। और आप सभी को पता है कि आठवां भाव मृत्यु का होता है, इसीलिए
सुरक्षा क्षेत्र से लगते कामकाज में उन्हें मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा आसानी से प्राप्त हो जाती है। मंगल अष्टम भाव के अंदर अगर विपरीत राजयोग बनाता हो या फिर निच भंग राजयोग बनाता हो या मंगल अष्टम भाव में स्वगृह या उच्च का होकर बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति स्वभाव से बहुत ही मेहनतु, स्वमानी, स्वाभिमानी, खुद्दार और जुनूनी लोग होते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत ही साहसिक, पराक्रमी, वीर, सुरवीर, नीडर, लीडर, आगेवान होते हैं और कठिन में कठिन परिस्थिति का डटकर सामना करने वाले लोग होते हैं। हर परिस्थिति से लड़कर अपना रास्ता बनाने वाले लोग होते हैं। मंगल अष्टम भाव में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को मांगलिक भी कहा जाता है और मांगलिक व्यक्ति की शादी मांगलिक व्यक्ति से ही करनी चाहिए। क्यों? तो उसके पीछे कारण है, क्योंकि ऐसे लोग में एक खास बात देखी जाती है कि ऐसे व्यक्ति अपने रिश्ते को पूरी ईमानदारी, वफादारी, निष्ठा से निभाने वाले लोग होते हैं। वो लोग जिनको प्यार करते हैं उसे जिंदगी भर आखिरी सांस तक उनको साथ और सहकार देते हैं, और अगर कोई उनके साथ धोखा करे, गद्दारी करे, विश्वासघात करे तो उसे जिंदगी भर माफ भी नहीं कर पाते। मंगल अष्टम भाव के अंदर शुभ स्थिति में बलवान होकर बैठा हो तो अपनी चौथी दृष्टि से ग्यारहवें भाव को देखता है तो ऐसे व्यक्ति के बहुत सारे मित्र होते हैं और उन्हें बड़े भाई बहनों से लाभ होता है। मंगल बलवान होकर अपनी शुभ सातवीं दृष्टि से धन स्थान को देखता है तो ऐसे व्यक्तियों को मंगल की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा के अंदर अचानक धन लाभ होता है और उनका अपने कुटुंबियों के साथ बहुत अच्छा रिश्ता होता है। मंगल की आठवीं शुभ दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ती हो तो ऐसे व्यक्ति अपने छोटे भाई बहन को बहुत प्यार करते हैं और उनके लिए जीवन में बहुत कुछ करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को छोटी मुसाफरियों से भी लाभ होता है और ऐसे व्यक्ति स्पोर्ट्समैन बने तो उनको उसमें निश्चित तौर पर सफलता प्राप्त होती है। साहसिक कार्य करें तो भी उन्हें अच्छी सफलता प्राप्त होती है। मंगल, अभी हम लोग जानेंगे कि मंगल अशुभ स्थिति में कैसा फल देता है, तो सुनिए। अगर मंगल अष्टम भाव के अंदर नीच राशि में निर्बल होकर बैठा हो या फिर पाप ग्रहों से दृष्ट या पाप ग्रहों से पीड़ित होता हो तो बिल्कुल अच्छा फल नहीं देता। तो सुनिए, जिनकी भी कुंडली के अंदर मंगल अष्टम भाव में नीच का होकर पाप ग्रहों से दृष्ट होता हो तो ऐसे व्यक्ति को बार बार वाहन अकस्मात के योग बनते हैं। ऐसे व्यक्तियों के स्वभाव में जिद, हट, गुस्सा ज्यादा देखा गया है। अष्टम भाव के अंदर मंगल राहु के साथ युति करके अंगारक योग बनाता हो तो ऐसे व्यक्ति को जहरी जानवर जैसे कि सांप, बिच्छू, कुत्ता, मधुमक्खी काटने की संभावना ज्यादा रहती है। अष्टम भाव के अंदर मंगल निचका होकर केतु के साथ युति करके अंगारक योग बनाता हो तो ऐसे व्यक्तियों को वाहन अकस्मात से मृत्यु होने के योग भी बनते हैं या फिर वाहन अकस्मात के वजह से अंग भंग यानी कि हाथ पांव कट जाना ऐसी संभावना भी देखी गई है। लेकिन मंगल की महादशा अंतरदशा के अंदर अष्टम भाव के अंदर मंगल शनि की युति हो तो उनके जीवन में 3 से 4 बार अस्थि भंग यानी कि फ्रैक्चर होने के योग बनते हैं। अगर अष्टम भाव के अंदर मंगल शनि या राहु जैसे पाप ग्रहों से दृष्ट होके पीड़ित होकर बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को अपने गुस्से के वजह से मारपीट करने के योग बनते हैं और जेल यात्रा के भी योग बनते हैं। अगर मंगल शनि केतु के साथ युति करके बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को कैंसर तक हो सकता है। अभी हम लोग जानेंगे कि मंगल निर्बल हो, पीड़ित हो तो उपाय क्या करें। ओम ह्रीम भौमाय नमः के रोज 108 जाप करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, तांबे के लोटे में पानी भर के उसमें कुमकुम डालकर सूर्य को अर्घ दे, महालक्ष्मी मंत्र का अनुष्ठान करें और मंगलवार के दिन गाय को गुड़ और गेहूं खिलाए तो इससे मंगल शांत होता है और मंगल का शुभ फल कम होता है। आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।